हे गाइस, वेलकम टू मोटरॉक 10। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रत्से थेरानी है और आज हम बात करने वाले हैं द टाटा सफारी के बारे में। अब ये गाड़ी हमने आपके लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी लाया हूँ मैं, रिव्यू जब गाड़ी आई थी तब असली टेस्ट किया था, उसके बाद हमने आपके लिए कंपेरोज लाए हैं इसके साथ, आई हैव डन 7 रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर द सफारी, ऐसे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लाया हूँ। बट अब पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं इस गाड़ी के साथ रह रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारी नए फैक्ट समझा इसके बारे में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल, एकदम विस्तार में आपको सारे पॉइंट्स कवर करके बताने वाला हूँ। मोर ओवर ये गाड़ी हमारे साथ और कुछ टाइम रहने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको रोड ट्रिप्स जो हम करते हैं उस पर ले जाए ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो पाए और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल सके कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। तो आज बारी है जो 1-1.5 मंथ्स मैंने इस गाड़ी के साथ बिताया, लगभग 1900 किलोमीटर मैंने अभी तक चलाया है इस गाड़ी के अंदर। ऑफकोर्स ये गाड़ी 0 किलोमीटर से चल के नहीं आई थी, तो इस वजह से इसके किलोमीटर्स, यू नो, इट्स नॉट लाइक 1900, इट्स अ लॉट मोर देन दैट फॉर दैट रीजन ओनली। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आपको काफ़ी फैक्ट्स एंड एलिमेंट्स मिलेंगे जो शायद ही किसी और ने कवर किए होंगे इसके लिए, तो बिना समय बर्बाद किए आई थिंक वी शुड जस्ट गो इन टू द वीडियो, सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, जो सफारी हमारे पास आई है वो कैप्टन सीट्स के साथ यहाँ पे दी गई है। तो व्हाट आई रियली लाइक टू से इसकी ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल एंड ज़बरदस्त है। पहले स्पेस की बात करते हैं, अब यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है, हेडरूम काफ़ी है, नी रूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल स्पेस में कहीं पर भी कोई कंसर्न नहीं है मेरा। हावेवर जो इसका बॉस मोड है इज़ रियली अमेजिंग, मतलब मैं जब भी पीछे बैठता हूँ और कोई आगे बैठा नहीं है तो ऐसे नहीं बैठता हूँ मैं और ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ जाता हूँ। व्हाट आई डू इज़ आई रिक्लाइन माय सीट अ लिटिल मोर, मैं फुल सीट पीछे ले लेता हूँ ये, एंड देन आई सिट आराम से। तो देर इज़ नथिंग लाइक दिस, बट आई कॉल इट द सुपर बॉस मोड, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल पोजिशन है टू सिट हियर। अब अगर मैं बात करूँ इस सीट की, ठीक है, तो इस सीट का कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, इसका जो फर्मनेस है इज गुड इनफ, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सॉफ्ट है या बहुत ज़्यादा हार्ड या फर्म है, वैसा नहीं है, इट्स जस्ट परफेक्ट। तो नॉर्मल जो सिटी में ट्रैवल करते हैं, सिटी यू डोंट डू लाइक यू नो 2-3-4 आवर्स ऑफ ट्रैवल जनरली एक टाइम में, आप 1-2 घंटा मैक्सिमम ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे तो कंफर्टेबल है ही। हावेवर जब आप हाईवे पे जाते हो तब ये फर्मनेस आपको वहाँ सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ बेटर कम्फर्ट। अगर आपकी सीट बहुत सॉफ्ट है, यानी कि आप सीट के अंदर धस जाओगे फिर 2-4 मिनट बाद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यू विल फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल वेरी क्विकली, हर 1-2 घंटे बाद यू विल ईदर हैव टू गेट डाउन टू यू नो बी बेटर इन दैट पोजिशन। तो इट डजेंट मैटर आप चौड़े हो या नैरो हो, सीट्स इतनी वाइड है कि आप आराम से बैठ के जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। मोरओवर इसमें आपको 3 एडवांटेजेस आते हैं ऑफ दीज सीट्स। सबसे पहला, ये स्टेडियम सीटिंग है, यानी कि जो रियर सीट्स है वो आगे की सीट से थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, तो इस वजह से मुझे फ्रंट का व्यू भी अच्छे से दिखाई देता है, एंड ओवरऑल मुझे ग्लास एरिया इतना है कि मुझे वो क्लॉस्ट्रोफोबिक, वो घुटन सी फील नहीं होती है यहाँ पे, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड एट द बैक। सेकेंड प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसके एसी वेंट्स जो दिए हुए हैं वो साइड में दिए हुए हैं, तो इससे कूलिंग भी ज़्यादा बेटर होती है, इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, वरना नीचे जनरली जो एसी वेंट्स रहते हैं वो पैरों को ही ठंडा करते हैं मोर ओवर देन एनीथिंग। तो ये साइड के वेंट्स आर रियली गुड एंड इट कूल्स द कैबिन अ लॉट क्विकर, एंड अगर आप न्यू कार गोल्ड एडिशन लेते हैं तो उसमें आपको जेन्युइन लेदर तो आ ही जाता है, प्लस यू ऑल्सो गेट वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट एंड इवन बैक पैसेंजर्स, मेरे हिसाब से दैट्स अ रियल इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव। थर्ड थिंग मेरे हिसाब से जो छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दिया गया, जैसे फ़ोन स्टोरेज आपको डोर पैड्स में दे दिए गए, विच आई फील इज़ अ वेरी गुड टच, एंड इवन जो आपके लिए यहाँ चार्जिंग पॉइंट दिया USB के, उसके लिए भी आपके पास फ़ोन रखने की जगह दी गई है, सो आई फील ये छोटे छोटे टचेज यू नो एनहेंस द बैक सीट कम्फर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। गाइज, आजकल ज़माना है 7-सीटर SUVs का, एंड 7-सीटर SUV में स्पेस और कंफर्ट तो चाहिए ही चाहिए, बट साथ में राइड क्वालिटी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सफारी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप लो स्पीड्स की बात करते हैं, जैसे 10, 20, 25 तक की स्पीड पे, तो यहाँ पे सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ रखा गया है। अब
इसके लिए एक वजह है जो आपकी राइड क्वालिटी रहती है लो स्पीड्स पे, हाई स्पीड्स पे, हैंडलिंग, इन तीनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं एक परफेक्ट बैलेंस लाने की कोशिश करनी पड़ती है। एंड ये लो स्पीड्स पे स्टिफनेस थोड़ा डाला गया है ताकि आप जब हायर स्पीड्स पे चले तब आपको गड्ढे महसूस भी ना हो। अब जैसे ये गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है 30, 40, 50, even 100 फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, तो मेजरली रोड पे हायर स्पीड्स पे जब चलते हैं तो खड्डे आ गए, अनड्यूलेशन आ जाते हैं, तो इससे अगर आप जाते हैं तो आपको गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ना वो अफेक्ट नहीं होती। आपको ऐसे नहीं, अरे यार बहुत झटका आ गया, पता नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा फील ही नहीं होता है। ये इट फील्स लाइक यू आर गोइंग ओवर अ यू नो पीस ऑफ कार्पेट, सारे बम्स वो सब कुछ पता ही नहीं चलता है एट हायर स्पीड्स, एंड यू कैन एंजॉय योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस एट अ हायर स्पीड। तो ये चीज़ इसके फेवर में जाती है एंड दिस इज़ रियली वाइटल, बिकॉज जब आप हायर स्पीड्स पे जाते हैं और अगर आपके खड्डे में गाड़ी हिल गई तब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है एंड इवन जो झटके हैं वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं। वेरा स्लो स्पीड्स पे जब आप जाते हैं तो आई मीन यू नो स्पीड ब्रेकर ये सब चीज़ों पे, तो आप वैसे भी स्लो हो ही जाते हो, सो आपको वो ज़्यादा फील नहीं होता है कैबिन के अंदर। एंड जो इसका सस्पेंशन सेटअप है, आई थिंक इट्स अ फाइन ट्यूनिंग बिटवीन गुड हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी। तो राइड क्वालिटी पे तो ऑलरेडी बोल दिया, हैंडलिंग के लिए मैं आपके लिए अगले जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें ज़्यादा डिटेल में मेंशन करने वाला हूँ, क्योंकि वो मैंने हाईवे पे ज़्यादा चलाई है एंड मोर ओवर ये जो चलाया मैंने सिटी के अंदर मेजरली चलाया एंड सम वॉट हाईवे एक्सपीरियंसेस, तो वो ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, हाई स्पीड, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग कैसी है, वो सब चीज़ें वो मैं वहाँ कवर कर पाऊँगा। अब बारी गियर बॉक्स की। जो गाड़ी हम चला रहे हैं इज द ऑटोमेटिक वर्जन एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो इस इंजन और गियर बॉक्स की ट्यूनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप लो स्पीड्स में सिटी में चलते हैं, इट शिफ्ट्स टू अ हायर गियर ताकि आपकी माइलेज बढ़े। आप जैसे ही एक्सीलेटर दबाते हैं रिस्पॉन्स बहुत क्विकली देता है वो, तो शिफ्ट डाउन हो जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको कहीं भी लैग फील नहीं होगा कि आप चलो मुझे मैनुअल की आदत है। तो वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग द ऑटोमेटिक यू विल नॉट फील कि यार थोड़ा और कुछ होता, ऑटोमेटिक ज़्यादा देता, देर इज नो इश्यूज विद इट। इनफैक्ट मैंने सफारी से पहले जब हैरियर चला रहा था तभी भी मैंने ये पॉइंट हर बार बोला है, अभी भी कहने वाला हूँ कि जो ये गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इज़ जस्ट अमेजिंग, एंड जो इसका एल्गोरिदम है ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ऑफ शिफ्टिंग गियर्स, एकदम परफेक्ट है। यू डोंट रियली नीड द नीड टू के यार मैं इसको मैनुअल में डाल के शिफ्ट करूँ, नथिंग एट सॉर्ट। बहुत ही कंफर्टेबली आप इसे चला सकते हैं, चाहे आप सिटी में चलाओ और इवन यू वॉन्ट टू पुश इट, यू विल हैव नो स्ट्रगल्स विद इट। सिटी ड्राइविंग की बात करते हैं ऑफ द टाटा सफारी। अब देखिए पहली चीज़ सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि गाड़ी बड़ी है। अगर आप नैरो लेन्स में चलाएंगे और आप पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट यूज टू दिस। ऐसे नहीं कि आप पहले दिन आप गाड़ी में बैठ गए और कहीं भी चले गए आराम से, यू नो वो भी खास करके नैरो लेन्स में या मुंबई में या कहीं रहते हैं, सो नैरो लेन्स में आपको थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इट, वरना इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक 1 or 2 days मेरे हिसाब से वहाँ पे। अब अगर मैं हाईवे की बात कर लूँ या बड़े रोड्स की बात कर लूँ जहाँ मैं यहाँ चला रहा हूँ, यहाँ पे तो यू आर गोना लव ड्राइविंग इट, एब्सोल्युटली जॉय। जो इसकी राइड क्वालिटी है, जो ड्राइव क्वालिटी है, इज़ डेफिनेटली टॉप नॉच, और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार आई विश दिस हैड समथिंग एक्स्ट्रा। सो सिटी की बात करते हैं, लेट्स स्टिक टू सिटी। मेजरली जो सिटी के अंदर जैसे ये रोड है जहाँ सिग्नल आते हैं हर 2-4 मिनट बाद, या फिर गलियों की, तो अगर आप ये इस तरीके के रोड्स पे जा रहे हैं यहाँ पे आपको चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, ओवरटेक करने में भी आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, आप आराम से चला सकते हैं यहाँ पे विथ अ लॉट ऑफ ईज। इनफैक्ट आपको ये चलाने में बहुत मज़ा आएगा। अब सिटी के अंदर मुझे नहीं लगता है आपको एक्चुअली स्पोर्ट मोड पे भी जाना पड़ेगा टू ओवरटेक, इट्स दैट कन्वीनियंट। मेजरली एट लोअर स्पीड्स पे आप आराम से जा सकते हो, वेराज अगर मैं छोटे लेन्स की बात कर लूँ तो इट्स लाइक आई सेड कुछ टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इट, आपका जजमेंट बेटर हो जाएगा। एंड आई फील द ओनली ड्रॉबैक आपको फील होगा कि अगर आप बहुत लाइक यू नो साउथ बॉम्बे कहीं रहते हो या यू नो यू स्टे समवेयर इन दिल्ली जहाँ पे लेन्स बहुत क्राउडेड है, कंजेस्टेड है, तो आपको पार्किंग मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है या आने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी लंबी है। बस आई फील दैट्स द ओनली थिंग कि सिटी में आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है, उसके अलावा आई डोंट रियली सी एनी प्रॉब्लम सिटी में चलाने को, आप आराम से चला सकते हो कन्वीनियंटली। एंड मोर ओवर ये मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं ऐसे सफारी जैसी बड़ी गाड़ी चलाता हूँ वो जो यू नो ऑटो या बाइक्स जो ऐसे बीच में घुसने की कोशिश करते हैं सिग्नल पे और एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम,
वो कम हो जाता है. एंड इनफैक्ट वो लोग आपको जगह दे देते हैं कि भाई जाओ, यू नो. सो दैट्स वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, जो दूसरी कोई कोई सेवन सीटर्स है उसमें नहीं हो पा रहा है, बट एटलीस्ट सफारी में बिकॉज ऑफ द साइज इट इज एंड द रोड प्रेजेंट इट ऑफर्स, आई थिंक लोग हट जाते हैं अपने आप सामने से सेइंग गो अहेड. सो आई थिंक दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट जो यहाँ मिल जाता है. और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ होगा, बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन आई थॉट आई विल शेयर विद यू. तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो विद द टाटा सफारी. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया. अभी तक मेरा एक्सपीरियंस हैज़ बीन फैंटास्टिक एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं अब इस गाड़ी को और चलाने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू टेक इट मोर ऑन द रोड ट्रिप्स. एक्सपीरियंसेस जो हमारे पेंडिंग है और जो काफ़ी सारा कॉन्टेंट हमें शूट करना है इन द कमिंग डेज, उसमें ये गाड़ी हमारे साथ रहेगी ऑल अक्रॉस. तो इस वजह से आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मुझे सफारी हमेशा से पसंद थी एंड दिस इज अ रियल बीस्ट इन इटसेल्फ. तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, अभी तक आई एम रियली इम्प्रेस विद द वे जिस तरीके से गाड़ी चल रही है. आगे चल के आपको और वीडियोस चाहिए या नहीं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए. इफ़ यू पुट इन द कमेंट्स तब मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाऊंगा इन द कमिंग फ्यू डेज. ऑलराइट गाइस, अब इतना वीडियो देखा है, एक लाइक तो बनता है. गाइस वी आर ट्राइंग टू गेट यू वेरी यूनिक एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट जो जनरली लोग नहीं कवर कर पाते. वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू ऑल दी स्मॉल इंटीग्रिटीज. हम ऑलरेडी आपके लिए डिटेल वीडियो पहुंचाते हैं, बट ये वीडियोस के थ्रू हम आपके साथ और इंटीग्रिटीज पहुंचा पाते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए. अगर आपको लगता है फिर भी आपके पास डाउट्स है, आप डायरेक्टली कॉल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं या मेरी टीम में दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे विराट है, हमारी टीम ऑफ कंसल्टेंट्स है जिन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है, और वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से. मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा डोंट टेक अ कॉल विद मी, रादर टेक अ कॉल विद माय टीम, क्योंकि वो लोग ज्यादा इजीली अवेलेबल रहेंगे. मेरे टाइम स्लॉट्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं टू मेक इट अवेलेबल, एंड इस वजह से वी हैव केप्ट अ लिटिल हायर कॉस्ट फॉर माई सेल्फ. वेरास हमारी टीम डेडिकेटेड है, वो सिर्फ यही काम करती है. दे आर हियर ओनली टू सपोर्ट यू गाइस. सो जो भी डाउट्स है वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू. अब सवाल ये उठता है कैसे आप हमसे कनेक्ट करेंगे. चले जाइए motorocktane.com/car-consultancy, वहां पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द motorocktane यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा और एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाले. अगर आपको सफारी पे चाहिए तो सफारी पे तो आपके लिए वीडियोस आने ही वाले इन द नियर फ्यूचर, एंड बहुत सारा ऐसा कंटेंट आने वाला है जिससे आपका कार बाइंग डिसीजन भी बहुत आसान हो जाएगा. और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमने कॉन्टेंट नहीं देखा है पिछले कुछ दिनों से, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम डेली आपके लिए वीडियोज़ ला रहे हैं. सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ऑल्सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. गाइज टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू गाइज, बाय.